छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने संगठन और विधायकों को लेकर एक दूसरे को घेरा है। तीखी बयानबाजी इन दोनों सियासी दिग्गजों के बीच देखने को मिली है। कांग्रेस संगठन को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में एक बयान दिया। सिंह ने कह दिया कि भूपेश बघेल कांग्रेस की चिंता करे विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के एक नहीं दो नहीं पांच पांच विधायकों ने कह दिया है कि अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। डॉक्टर रमन सिंह का आशय टीएस सिंहदेव सहित कुछ विधायकों के उस बयान से था कि अब उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार में जो स्थिति कांग्रेस की है कि जो विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है। मैदान में जाने की स्थिति नहीं है तो अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। अब इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह सरकार बनाने के लिए चोरी डकैती नहीं कर पाए, विधायकों को तोड़ नहीं पाए तो इस प्रकार की बात कह रहे हैं और फिर रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें। भाजपा की इससे पहले प्रभारी रही पुरंदेश्वरी देवी कह चुकी हैं कि रमन सिंह अगले चुनाव में चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह पे विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरा, मुझे जानकारी मिली है कि सारे विधायकों को कह दिया गया है कि जो 14 बचे हैं उनकी टिकट तय नहीं है, तो अपनी टिकट की चिंता करे रमन सिंह। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे को लोकसभा की टिकट नहीं दिला पाए, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं, अपनी चिंता करे, अपने पार्टी की चिंता करे। सीएम ने अडानी समूह को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने पूछा था कि अडानी भारत है क्या। उन्होंने आशंका जताई कि अडानी के शेयरों के साथ राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम का 17,000 करोड़ भी डूब सकता है। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, पहले हम लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे तो हिंदू विरोधी हो जाते थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि यह भारत विरोधी है, तो भारत कौन है, अडानी जी हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है वह भारत पर हमला है, अडानी पर हमला नहीं है। जांच की अनुमति मांगी है तो उसमें भी कोई परीक्षण वरीक्षण करेगी क्या, या उसमें भी विधिक सलाह लिया जाएगा? अब ईओडब्ल्यू को प्राथमिक तौर पर लगा कि शिकायत सही है, अब जांच करना है और रमन सिंह लोक सेवक के दायरे में आते हैं तो अनुमति लेनी होगी, ऐसी अनुमति तो तत्काल मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।